हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ यूनिट फोर्थ का टाइप्स ऑफ होम साइंस ट्रेनिंग मैनेजमेंट, यानी कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के विभिन्न स्टेप्स, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के विभिन्न चरण स्टेप्स, सी पार्ट है बच्चों, ये यूनिट फोर्थ का सी पार्ट। गृह विज्ञान प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्न चरण आते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है स्थानीय स्थिति का विश्लेषण करना कि प्रसार कार्यकर्ता जहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है प्रसार का, वहाँ पर उस स्थिति का विश्लेषण करना, उस स्थानीय स्थिति का विश्लेषण करना, जैसे कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनका बौद्धिक स्तर कैसा है। यदि किसी गाँव का अध्ययन करने पर पाया गया कि वहाँ दस्त रोग भयंकर रूप से फैला है, तो ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती को चाहिए कि वे इस रोग से बचाव के संबंध में वहाँ के जन समुदाय को प्रशिक्षित करने का कार्य आरंभ करे, यानी कि उस स्थिति का विश्लेषण करके ही वहाँ का प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है बच्चों उद्देश्य निर्धारण, कि जहाँ पर भी प्रसार कार्य प्रारंभ किया जा रहा है वहाँ का उस स्थिति का उद्देश्य, यानी कि वह किस उद्देश्य से प्रसार कार्यक्रम बनाया गया है। स्थानीय स्थिति का अध्ययन करने के बाद गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। यहाँ पर जनता द्वारा रोग की गंभीरता को समझना, रोगी की देखभाल, रोगी का आहार, पानी की स्वच्छता एवं जन समुदाय को रोग के बचाव के संबंध में शिक्षित करना, यही उद्देश्य निर्धारित होगा। यानी कि जैसी स्थिति में वहाँ के जन समुदाय लोग रहते हैं, या स्वच्छता है या स्वास्थ्य है, उससे संबंधित उनको जानकारी प्रदान करना। देन थर्ड आता है बच्चों शिक्षण नियोजन, कि जनता को शिक्षित करने के लिए गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती को शिक्षण विधियों का चुनाव करना होगा, जैसे दस्त है, रोग दूषित जल एवं खान पान की गंदी आदतों के कारण फैलता है, जो छोटे छोटे बच्चों माँ का दूध छोड़कर ऊपरी दूध पीते हैं, अथवा जो भोजन खाते हैं उसके संदूषित होने से जो दस्त रोग होता है। अतः प्रसार कार्यकर्ती को ग्रामीण महिलाओं को सिखाना होगा कि वे यथासंभव बच्चों को स्तनपान कराएं, बच्चों के भोजन में दूध से संबंधित साफ सफाई का ध्यान रखें, इस बारे में भी महिलाओं को शिक्षित करना होगा। यानी कि शिक्षण नियोजन बच्चों, जैसे कि हेडिंग से पता चल रहा है कि वहाँ पर शिक्षा का नियोजन भी होगी, ताकि महिलाओं को जागरूक कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें कि किस तरह से साफ सफाई रखकर हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है मूल्यांकन, कि गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत कार्यकर्ती को लोगों के शिक्षण और विभिन्न माध्यमों द्वारा अपना संदेश पहुंचाने के बाद यह देखना होगा कि वे अपने कार्य में कहां तक सफल हुई है। यानी कि मूल्यांकन का बच्चों मतलब पहले भी बता चुकी हूं कि कोई मूल्यांकन करना या उसका देखना है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ है नहीं। यदि हम महिलाओं को शिक्षित करना चाह रहे हैं, जन स्वास्थ्य की ओर जागरूक करना चाह रहे हैं, स्वच्छता की ओर जागरूक करना चाह रहे हैं, तो महिलाओं में वो अवेयरनेस आई या नहीं, वो जागरूक हुए या ना हुए, तो यही होता है मूल्यांकन करना। ठीक है ना, कि प्रसार कार्यकर्ता यह मूल्यांकन करता है कि जब वो कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा है, जिससे भी संबंधित कार्यक्रम को बढ़ा रहा है आगे, तो उसको रिजल्ट कैसा मिला, फीडबैक उसको कैसा मिला। देन नेक्स्ट आता है बच्चों पुनर्विचार, कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के चरणों में पुनर्विचार एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती को पहले की स्थिति एवं शिक्षण के बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। आगे के कार्यक्रम लोगों की दृष्टि नई स्थिति को ध्यान में रखकर अभियोजित करने पड़ेंगे। प्रसार शिक्षण के सभी चरण परस्पर संबंधित होते हैं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद उसका अभिलेख तैयार कर लेना चाहिए। यानी कि बच्चों पुनर्विचार, कि जब उसने प्रसार कार्यक्रम शुरू करने से पहले की स्थिति वहाँ क्या थी, और प्रसार कार्यक्रम के बाद, यानी कि जो लोगों को जागरूक करने के बाद, शिक्षित करने के बाद वहाँ की स्थिति क्या है, तो दोनों में कंपैरिजन करके फिर पुनर्विचार करना चाहिए कि आगे जब इन फ्यूचर कोई भी दोबारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो हम उसमें कौन कौन से चेंजेस और बदलाव उसमें और ला सकते हैं, ताकि लोगों का सर्वांगीण विकास हो। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट यूनिट में मिलती हूँ आपसे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी कमेंट बॉक्स में आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसमें आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके बाय।